टेंथ क्लास, आज हम नया चैप्टर स्टार्ट कर रहे हैं। चैप्टर है आपका फिजिक्स का, मैग्नेटिक इफेक्ट ऑफ इलेक्ट्रिक करंट्स। ओके, तो मैग्नेटिक इफेक्ट ऑफ इलेक्ट्रिक करंट्स से पहले हमें थोड़ी इलेक्ट्रिसिटी की नॉलेज एक बार फिर से हम रिवाइज कर लेते हैं उसको। तो आपको याद है इसमें इलेक्ट्रिसिटी वाले में चार्ज का फॉर्मूला क्यू इज इक्वल्स टू एन ई, करंट के लिए था आई इज इक्वल्स टू क्यू बाई टी, फिर था वोल्टेज वी इज इक्वल्स टू डब्ल्यू बाई क्यू, उसके बाद था हमारे पास ओम्स लॉ वी इज इक्वल्स टू आई आर, फिर था रेजिस्टेंस का फॉर्मूला आर इज इक्वल्स टू रो एल बाय ए, ठीक है। फिर हमारे पास था रेजिस्टेंस इन सीरीज जिसके लिए हम डायरेक्ट ऐड करते हैं और पैरेलल के लिए हम रेसिप्रोकल लेते हैं। उसके बाद हमारे पास था हीटिंग इफेक्ट ऑफ करंट, तो हीट के हमने चार फॉर्मूले किए थे, एक तो था बी आई, एक था आई स्क्वेयर आर, एक था वी स्क्वेयर बाय आर, और सबके साथ टाइम भी था, ठीक है। हीट के फॉर्मूला में टाइम था और पावर वाले में नहीं था। इसका एक फॉर्मूला और था वी क्यू, ठीक है, और पावर वालों में सबके साथ टाइम नहीं था। वी आई, आई स्क्वेयर आर एंड वी स्क्वेयर बाई आर, ठीक है। ये सब हम इलेक्ट्रिसिटी में कर चुके हैं। तो चार्ज क्या था? द बेसिक क्वांटिटी ऑफ मैटर। ओके, आज हमें जो करना है वो मैग्नेटिक इफेक्ट ऑफ इलेक्ट्रिक करंट के बारे में करना है, यानी कि हमें देखना है कि इलेक्ट्रिक करंट की वजह से कोई मैग्नेटिक इफेक्ट होता है या नहीं, और अगर होता है तो उसका क्या रीज़न है, कैसे होता है। तो उससे पहले हम थोड़ा सा एक बार मैग्नेट के बारे में जान लेते हैं। व्हाट आर मैग्नेट्स? तो मैग्नेट क्या होते हैं? तो यू नो व्हाट आर मैग्नेट्स? तो मैग्नेट थे विच अट्रैक्ट मैग्नेटिक सब्सटेंस, विच अट्रैक्ट आयरन, निकल, कोबाल्ट। ओके, तो इसमें आएगा विच मैग्नेटिक सब्सटेंस लाइक आयरन। ओके, ये चीज हम पहले से जानते हैं। और एक हम जानते हैं कि मैग्नेट के पास दो पोल होते हैं, वन इज नॉर्थ पोल, अदर इज साउथ पोल। नॉर्थ पोल जो है वो नॉर्थ डायरेक्शन में होता है, ये हमें नॉर्थ डायरेक्शन शो करता है, और साउथ पोल साउथ डायरेक्शन शो करता है, ठीक है। आप इसको किसी भी मैग्नेट को धागे से बांध के लटका दो, आप उसको जब भी छोड़ोगे थोड़ी देर वो घूमेगा, उसके बाद फिर वो दोबारा से अपने उसी कंडीशन पर आ जाएगा जिसमें एक हिस्सा होगा नॉर्थ और दूसरा होगा साउथ, ठीक है। आप इसको कितने ही भार भी कितने ही जोर से घुमा लो, कैसे भी इसको लटका लो, आपको एक पार्ट नॉर्थ में और एक पार्ट साउथ में मिलेगा। आपको इसको इस तरह से बिल्कुल बीच में से लटकाना है, ठीक है। ऐसे नहीं कि आप ऐसे लटका दोगे, तो लटकाने के ऊपर भी तो फ़र्क पड़ता है। ओके, तो मैग्नेट्स हमें पता लगा, मैग्नेट के पास दो पोल होते हैं, हम ये चीज़ पहले से जानते हैं, 6th, 7th, 8th में आपने शायद पढ़ा है इनके बारे में। अगर दो नॉर्थ नॉर्थ आ जाएंगे या नॉर्थ साउथ आएंगे या साउथ साउथ आएंगे तो क्या होगा? तो नॉर्थ और नॉर्थ इसको हम बोलते हैं लाइक पोल्स, उसी तरह से साउथ साउथ भी क्या होगा? लाइक पोल्स, लाइक मतलब सेम, और ये होंगे अनलाइक पोल्स। तो लाइक पोल हमेशा एक दूसरे को रिपेल करते हैं और अनलाइक पोल एक दूसरे को अट्रैक्ट करते हैं, दिस ऑल्सो रिपेल। ओके, तो इनकी कुछ ना कुछ मैग्नेटिक स्ट्रेंथ होगी। तो इसका जैसे आपने फॉर्मूला पढ़ा था ग्रेविटेशन में जी एम वन एम टू बाई आर स्क्वेयर, वैसे ही इसका फॉर्मूला भी है हमारे पास के एम वन एम टू बाई डी स्क्वेयर। डी का मतलब डिस्टेंस है, एम का मतलब मैग्नेटिक स्ट्रेंथ। ओके, तो हमें उसको अभी डिटेल में करने की ज़रूरत नहीं है, अभी हमें जो फोकस करना है वो मैग्नेट की प्रॉपर्टीज़ के ऊपर करना है। तो हमें मैग्नेट पता लगा क्या होता है। ओके, ठीक है जी। नेक्स्ट जो चीज़ है इसके अंदर वो है अपने पास मैग्नेटिक फील्ड लाइन। मैग्नेटिक फील्ड लाइन से पहले है अपने पास मैग्नेटिक फील्ड। तो मैग्नेटिक फील्ड क्या होता है? मैग्नेटिक फील्ड है वो एरिया जिसके चारों तरफ मैग्नेट अपना इफेक्ट दिखाएगा, ठीक है। इट इज़ द एरिया या द फील्ड अराउंड विच अ मैग्नेट कैन शोज इट्स मैग्नेटिक बिहेवियर। मैग्नेटिक बिहेवियर का मतलब क्या है? आयरन जैसे मेटल को अट्रैक्ट करना, और दो अगर हमारे पास एक और मैग्नेट होगा तो उसको अट्रैक्ट या रिपेल करना, तो कितने एरिया में कितने फील्ड में उसके ऊपर फोर्स लगा पाता है, दैट इज़ कॉल्ड मैग्नेटिक फील्ड, ठीक है। जैसे मान लेते हैं कि हमारे पास ये एक चौक है, जैसे चौक कवर है, जो ये मान लेते हैं एक मैग्नेट है, आप इसको देखें, अगर मान लो ये मैग्नेट है, अगर मैंने आयरन की नेल को यहाँ रख दिया तो हो सकता है उसको अट्रैक्ट कर ले, ठीक है। फिर मैं इसको यहाँ ले गया तो हो सकता है अट्रैक्ट कर ले, हो सकता है यहाँ पर आने के बाद हो सकता है ना कर पाए, तो इसका मतलब इसका मैग्नेटिक फील्ड यहाँ तक है, ठीक है। जहाँ से उसने अट्रैक्ट करना बंद कर दिया वो उसकी रेंज है। अच्छा, इसके इस तरफ भी हो सकता है, इधर भी हो सकता है, इधर भी, चारों तरफ इसके होता है, ठीक है। इस तरफ भी होगा, इस तरफ भी होगा। तो मैग्नेटिक फील्ड क्या है? उसके चारों तरफ का एरिया जहाँ पर वो फोर्स लगाता है, ठीक है। हम जो मानते हैं इसको कि प्रैक्टिकली तो इसकी एक लिमिट है, लेकिन थियोरेटिकली माना जाता है कि इनफाइनाइट तक होता है,
ठीक है, मैग्नेटिक फील्ड इन्फाइनाइट तक है, यानी कि यहाँ से अगर हम यूरोपियन कंट्रीज़ की बात करें तो वहाँ पर भी एक छोटा सा मैग्नेट अगर किसी लैब में रखा है तो उसका मैग्नेटिक फील्ड यहाँ तक उसका इफेक्ट आ सकता है, बिल्कुल छोटे लेवल पर। ओके, तो इतना होता है कि नेग्लिजिबल होता है तो हम उसको नेग्लेक्ट ही कर देते हैं। ठीक है, तो मैग्नेटिक फील्ड आपको पता लगा, इट इज़ द एरिया अराउंड विच अ मैग्नेट कैन शो इट्स मैग्नेटिक बिहेवियर। एक इसके अंदर जो चीज़ है मैग्नेट की, वो है कि हम मैग्नेट के पोल्स को अलग नहीं कर सकते। ठीक है, वी कांट सेपरेट नॉर्थ एंड साउथ। आप नॉर्थ और साउथ को कभी भी अलग नहीं कर सकते, आप जितनी बार तोड़ोगे उतने ही नए नॉर्थ साउथ आ जाएंगे। जैसे अगर यहाँ से एक मैग्नेट है, आपने इसका ऐसे तोड़ दिया, तो यहाँ पर अपने आप ही अगर ये नॉर्थ था ये साउथ था तो यहाँ नॉर्थ साउथ तो रहेगा, लेकिन यहाँ पर अपने आप नॉर्थ बन जाएगा साउथ बन जाएगा। यानी कि इसके अंदर जो इम्पोर्टेंट पॉइंट है वो है मोनोपोल डज नॉट एग्जिस्ट। मोनोपोल डज नॉट एग्जिस्ट, मैग्नेट के अंदर एक पोल नहीं होता। जैसे हमारे पास चार्ज वाले में हमने किया था कि एक अकेला चार्ज हो सकता है, ठीक है, एक पॉजिटिव एक नेगेटिव होते हैं ना वैसे तो, लेकिन अकेला पॉजिटिव रह सकता है विदाउट नेगेटिव वो रह सकता है, लेकिन मैग्नेट जो है वो नॉर्थ साउथ के बिना नहीं रह सकता, साउथ नॉर्थ के बिना नहीं रह सकता, मन नहीं लगता आप कह सकते हैं उनका। ठीक है, तो मैग्नेटिक फील्ड आपको पता लगा। ठीक है, मैग्नेटिक फील्ड क्या होता है, ये एरिया है, ये फील्ड है मैग्नेट के चारों तरफ। ओके, और उसकी शेप कैसी होगी मैग्नेटिक फील्ड की, तो ये तो एक बाउंड उसके अकॉर्डिंग है ना कि हम किस कौन सा मैग्नेट ले रहे हैं। मान लो आपके ऐसे एक स्फीयर शेप में मैग्नेट है तो उसकी शेप कैसी हो जाएगी इसके मैग्नेटिक फील्ड की, उसके चारों तरफ का फील्ड कैसा होगा, स्फीयर होगा। जैसे आपने अभी इसका एग्जांपल लिया था जो ये अपने पास है, अगर इस शेप का मैग्नेट हो तो इसकी शेप ऐसे एक सिलेंडर बनेगा। ठीक है, तो शेप डिपेंड करती है कि उस मैग्नेट की खुद की मैग्नेट की कैसी शेप है। ओके, नेक्स्ट जो थिंग है इसके अंदर वो है हमारे पास मैग्नेटिक फील्ड लाइंस। तो मैग्नेटिक फील्ड लाइंस क्या होता है, देखिए सबसे पहली बात है कि इमेजिनरी लाइंस है। ठीक है, ये इमेजिनरी लाइंस हैं जो कि शो करती है हमें फोर्स की डायरेक्शन। फोर्स कौन सा, जो मैग्नेट लगाते हैं, तो इट शो द डायरेक्शन ऑफ मैग्नेटिक फोर्स, द फोर्स अप्लाइड बाय मैग्नेट, उसको हम बोलते हैं मैग्नेटिक फील्ड लाइंस। तो मैग्नेटिक फील्ड लाइंस इज द पिक्टोरियल रिप्रेजेंटेशन। पिक्टोरियल रिप्रेजेंटेशन का मतलब है पिक्चर की फॉर्म में। ठीक है, एक फ़ोटो दिखाती है अपने को कि मैग्नेटिक फील्ड कैसा होगा उसके चारों तरफ। ठीक है, उसके अकॉर्डिंग अपने को देखना है। ओके, एक बार यहाँ तक एक बार नोट कर लो, ये आपके सामने है मैग्नेटिक फील्ड लाइंस की प्रॉपर्टीज़। ओके, काफ़ी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, एग्जाम में 3 मार्क्स में भी आ सकता है, 2 मार्क्स में भी आ सकता है, तो कम से कम आपको 6 पॉइंट्स याद करने ही हैं इसके। फर्स्ट पॉइंट जो है इसका वो है इट ट्रेवल्स फ्रॉम नॉर्थ टू साउथ। ये हमारे पास जो भी मैग्नेट होगा उसमें नॉर्थ से निकलेंगी और साउथ में जाएंगी, आउटसाइड द मैग्नेट। मैग्नेट के बाहर अगर बात करते हैं तो नॉर्थ में से निकलती है कितने एंगल पे, नॉर्मली यानी कि 90 डिग्री पे। यहाँ पर वापस भी 90 डिग्री पे आएगी। तो ये जो येलो वाली लाइन है ये आउटसाइड द मैग्नेट, बाहर का जो मैग्नेटिक फील्ड है उसको शो कर रही है, और इनसाइड के लिए हमने ये अलग कलर को यूज़ किया है। तो अंदर साउथ से नॉर्थ, बाहर नॉर्थ से साउथ, यानी कि क्लोज कंटिन्यूस कर्व है। ठीक है, ये यहाँ से गई और यही वाली वापस आ गई और ये चलता रहता है। ठीक है, मैग्नेटिक फील्ड लाइंस नॉर्थ से साउथ बाहर और साउथ से नॉर्थ अंदर, दीज आर क्लोज कंटिन्यूस कर्व। ये क्लोज होती है, बीच में से कहीं से टूटी हुई नहीं होती। ठीक है, ऐसा नहीं होगा कि यहाँ से ऐसे मिटी हुई है, ऐसा नहीं होता, ये हमेशा ही कंटिन्यूस होती है। दूसरी इसमें सबसे इम्पोर्टेंट बात है कि आपको एरो से इसकी डायरेक्शन मेंशन करना ज़रूरी है। ठीक है, मान लीजिए कि आपको कहा जाए कि ये एक मैग्नेटिक फील्ड है, तो हम इसको कहेंगे कि नहीं ये नहीं है, आपको इसमें डायरेक्शन शो करनी होगी, तो ये इसकी डायरेक्शन है। ठीक है, हम मैग्नेटिक फील्ड बाहर का यूज़ करते हैं मोस्टली, तो ये आउटसाइड द मैग्नेट की बात है। तो नॉर्थ से निकलती है यानी यहाँ से आ रही है, तो इस तरफ नॉर्थ होगा और इस तरफ साउथ होगा। ठीक है, मैग्नेटिक फील्ड को देखते ही आपको नॉर्थ साउथ पता लग जाने चाहिए, जिस तरफ एरो जाता है वो साउथ है। ओके, आउटसाइड द मैग्नेट की बात है। अच्छा, इमर्ज आउट नॉर्मली 90 डिग्री के एंगल पे इमर्ज होती है। नेवर टेक शार्प टर्न, शार्प टर्न का मतलब इसमें कहीं पे ऐसे कोना नहीं बनता। ठीक है, देखो सबसे इम्पोर्टेंट बात है कि ये इमेजिनरी लाइंस है, हमने इसको उसके अकॉर्डिंग ही इसकी प्रॉपर्टीज़ को बनाया है जिसके अकॉर्डिंग हमें जो फोर्स के लॉज हैं या फिर स्टडी के अंदर कन्वीनियंट रहे, जो एक लॉजिकल पाथ पे चलती हो। ओके, शार्प टर्न नहीं लेती, नॉट पॉसिबल। नेवर इंटरसेक्ट इच अदर, एक दूसरे को कभी इंटरसेक्ट भी नहीं करती, और इसका रीज़न क्या है ये हमें क्या बताती है, उससे इसको आप
पॉइंट नंबर 6 पे लिखना और इसको 7 पे लिखना, क्योंकि 7 ये पॉइंट समझने के लिए हमें ये आना चाहिए। ये है टेंजेंट ऑन मैग्नेटिक फील्ड लाइंस गिव डायरेक्शन ऑफ मैग्नेटिक फोर्स। टेंजेंट का मतलब क्या होता है, एकदम स्ट्रेट लाइन। सर्कल से रिलेटेड है ये। आपके पास मान लीजिए ऐसे एक सर्कल है, सर्कल को जो बाहर से टच करे उसको हम टेंजेंट बोलते हैं। कंडीशन क्या है, रेडियस के साथ 90 डिग्री बनना चाहिए। ओके, तो जैसे अब ये कर्व है, तो इस कर्व के ऊपर अगर मैं यहाँ से ऐसे टेंजेंट बना देता हूँ तो ये मुझे डायरेक्शन मिल गई किसकी, मैग्नेटिक फोर्स की। उसी तरह से अगर मैं यहाँ पर बना देता हूँ तो ये भी मैग्नेटिक फोर्स की डायरेक्शन है। तो टेंजेंट बनाकर हम उसकी डायरेक्शन निकाल सकते हैं, इसीलिए एक दूसरे को इंटरसेक्ट नहीं करती। क्यों? क्योंकि अगर यहाँ पर इंटरसेक्ट कर गई, अगर मैं इस लाइन के लिए टेंजेंट बनाऊँगा तो उधर जाएगा, इस लाइन के लिए बनाऊँगा तो इधर जाएगा। एक ही पॉइंट पर दो डायरेक्शन नहीं हो सकती, ठीक है। एक पॉइंट पर दो डायरेक्शन कैसे हो सकती है, आपको मान लीजिए कि फोर्थ फ्लोर पे खड़ा कर दिया जाए, चौथी मंजिल पे खड़ा कर दिया जाए सीढ़ियों पर, और एक कहता है कि ऊपर जाओ, एक कहता है नीचे आओ, तो दोनों काम एक साथ कर सकते हो क्या? पेंटी फटेगी ऐसे तो फिर, ठीक है ना, दोनों तरफ जाओगे तो और क्या हो सकता है उसमें। तो इस चीज़ का आपको ध्यान रखना है कि हम एक बार में एक ही तरफ जा सकते हैं, एक बार में एक ही डायरेक्शन होगी, तो इसीलिए एक दूसरे को इंटरसेक्ट नहीं करती। इज दिस ओके? तो टेंजेंट ऑन द मैग्नेटिक फील्ड लाइंस गिव डायरेक्शन ऑफ मैग्नेटिक फोर्स, ये आपको क्या देते हैं, मैग्नेटिक फोर्स की डायरेक्शन देते हैं, ठीक है। मैग्नेटिक फोर्स किस तरफ लगेगा, इज दिस ओके? एक बार आप इसको नोट कर लीजिए, मोस्ट इंपॉर्टेंट डाल देना, साथ में डायग्राम बना लेना। और ये जो डायग्राम मैंने साइड में बनाए हैं ये इसके लिए है ताकि आपको थोड़ा सा इसका आइडिया हो जाए, एग्ज़ाम में ऐसे ही नहीं बनाने आपको। ओके, नोट कर लो एक बार। ये आपका बुक में फर्स्ट टॉपिक है, ओरेस्टेड एक्सपेरिमेंट, जो हमें बताता है कि मैग्नेटिक फील्ड और या फिर कहें कि मैग्नेटिक इफेक्ट और करंट आपस में रिलेटेड है, ठीक है। तो देखिए इसने, इन्होंने क्या बताया, ये एक्सपेरिमेंट कर रहे थे अपना, अपने एक्सपेरिमेंट्स में इलेक्ट्रिसिटी वाले एक्सपेरिमेंट्स कर रहे थे। तब इन्होंने एक चीज़ नोटिस की कि जैसे ही वो सर्किट को ऑन करते हैं, बटन को ऑन करते हैं, तो बल्ब ऑन हो जाएगा, ठीक है। रेजिस्टेंस क्यों लगाया हमने, ताकि अगर ज़्यादा करंट हो तो इसके पास रुक जाए, ज़्यादा वोल्टेज हो तो, ओके, इसको जितनी वोल्टेज चाहिए वो इसको मिल जाएगी, बाकी रेजिस्टेंस अपने पास रख लेगा, ठीक है। तो ये हमारी लास्ट चैप्टर की बातें हैं। अब इन्होंने क्या देखा कि जैसे ही इन्होंने यहाँ से करंट ऑन किया ना, ये हमारे पास मैग्नेटिक कंपास है। मैग्नेटिक कंपास होता है हिंदी में कहें तो दिशा सूचक यंत्र, ठीक है, आपको डायरेक्शन बताता है। इसमें इस तरह से एक मैग्नेट होता है, ऐसे बीच में प्लस के साइन के साथ यहाँ पर एक सुई होती है, ठीक है। एक तरफ नॉर्थ, एक तरफ साउथ, और वेस्ट बंगाल वेस्ट में नहीं है, हम जानते हैं ईस्ट में है, और इधर वेस्ट, ठीक है। इंडिया के मैप से आप कंपेयर कर सकते हो, इंडिया का मैप आपने सबने देखा ही है, ठीक है। इंडिया के मैप में अपने क्या है, यू नो कि वेस्ट बंगाल है तो वेस्ट बंगाल है, लेकिन वो वेस्ट में नहीं है, ठीक है। ये अपना अपना याद करने का तरीका है। यू कैन यूज़ योर सन मेथड कि हाँ, सन जो है ईस्ट में राइज होगा और फिर उसके अकॉर्डिंग हम हाथों को फैला लेते हैं, और ईस्ट होगा फेस की तरफ, पीठ की तरफ होगा वेस्ट, एंड लेफ्ट हैंड साइड नॉर्थ, राइट हैंड साइड साउथ। लेकिन अगर दिन की बात हो तो दिन में हमें कैसे पता लगेगा, वो तो हमें पता लग जाता है, ठीक है, ईस्ट से वेस्ट जा रहा है। लेकिन एट ए टाइम जब दिन की बात होती है, जब सूरज एकदम सर पे होता है, तब उसको देख के अंदाजा नहीं लगा सकते कि आपको किस तरफ देखना है, कि ईस्ट कौन सा होगा, वेस्ट कौन सा होगा। तो ऐसे केसेस के लिए अपने पास मैग्नेटिक कंपास है। दूसरा अपने पास कि नाइट के अंदर हम डायरेक्शन कैसे पता लगाएं, तो इसका एक सिंपल सा है कि हमारे पास पोल स्टार है, पोल स्टार ध्रुव तारा बोलते हैं, वो फिक्स है स्पेस में, ठीक है। लेकिन हो सकता है आप में से बहुत सारे बच्चों को याद ही ना हो कि आपने ध्रुव तारे को ऑब्जर्व नहीं किया हो, पोल स्टार को नहीं देखा हो, तो दिस इज़ मच कन्वीनियंट मेथड टू फाइंड डायरेक्शन। इसमें इस तरह से अपने पास होगा। हमने अभी मैग्नेट की प्रॉपर्टी में क्या किया था कि मैग्नेट को आप लटका के छोड़ दोगे तो क्या होगा, एक हिस्सा नॉर्थ में और एक हिस्सा साउथ में रुकेगा, ठीक है। तो जैसे ही हम इसको ऐसे रखते हैं तो ये ऐसे घूम फिर के ऐसे रुक जाएगा, एक हिस्सा जाएगा नॉर्थ में, एक हिस्सा जाएगा साउथ में। अब नॉर्थ पता लग गया, साउथ पता लग गया, तो ईस्ट और वेस्ट भी पता लग गए, सिंपल सी बात है। मान लो ये सुई उधर रुकी है तो उधर नॉर्थ है, ठीक है, इस तरफ रुकी है तो इस तरफ नॉर्थ है, तो हमें यहाँ से नॉर्थ साउथ का पता लग जाता है। इसका मतलब ये हुआ कि ये हमेशा नॉर्थ और साउथ में ही रहता है, ठीक है। लेकिन इन्होंने क्या ऑब्जर्व किया, जैसे ही उन्होंने इसको इस सर्किट के पास रखा, गलती से रख दिया, हो सकता है कि इनके लैब में बच्चे घुस आए हों, वो छेड़खानी करते हुए उनका कंपास उधर रख दिया हो, नहीं तो ऐसा होता नहीं है, क्योंकि सर्किट को जब सजाते हैं, लगाते हैं इसको, तब देखा जाता है कि आसपास कोई बेवजह की चीज़ तो नहीं है। तो हो सकता है उन्होंने रखा था या अपने आप उसमें वहाँ पे पहले से रखा हुआ था, वी डोंट नो बट वॉज द पास्ट। लेकिन हम उन्होंने क्या ऑब्जर्व किया कि जब इसमें करंट चल रहा है ना, तो ये नॉर्थ नहीं दिखा रहा, कुछ और ही दिखा रहा है,
ठीक है, हमें पता है कि एरो ऊपर की तरफ है यानी उधर नॉर्थ होगा, इधर साउथ होगा, लेकिन इसकी जो एक्चुअल डायरेक्शन थी वो ऐसे ना हो करके जब इसमें करंट चला वो इस तरह से थी, थोड़ा सा अपने एंगल से अलग। तो उनको लगा एक बार तो कि भाई धरती पलट गई है, नॉर्थ ही चेंज हो गया। उनको लगा नहीं ऐसा नहीं होता, वहम है। तो उन्होंने क्या किया, बटन ऑफ कर दिया। बटन ऑफ करते ही ये सुई फिर से वापस आ गई, उनको लगा ये तो नई चीज़ है। फिर उन्होंने फिर बटन ऑन किया, फिर घूम गया, फिर बटन ऑफ किया, फिर इधर। तो ये वो खेलते रहे थोड़ी देर, तो फिर उन्होंने उसको उस तरफ की जगह इस तरफ रख के देखा, ठीक है कि क्या एक ही तरफ इफेक्ट आ रहा है। उन्होंने फिर बटन ऑन किया, इसमें इस तरफ घूम गया, ठीक है। तो इस तरह से सिलसिला चलता रहा। तो उन्होंने क्या यहाँ पे ऑब्जर्व किया कि मैग्नेट मूव कर गया जब करंट चल रहा था, और हमने क्या देखा है कि मैग्नेट को कौन फोर्स लगा सकता है, तो दूसरा मैग्नेट ही लगा सकता है विदाउट टच किए, ठीक है। बिना टच किए मैग्नेट को कौन फोर्स लगा सकता है, एक दूसरा मैग्नेट ही लगा सकता है। हमने अभी किया था ना, नॉर्थ और नॉर्थ आपस में रिपेल करते हैं, नॉर्थ साउथ अट्रैक्ट करते हैं। तो यहाँ पर क्या हुआ, ये नॉर्थ उधर चला गया यानी रिपेल हुआ है, ठीक है, फिर ये साउथ वाला इस तरफ आ गया यानी अट्रैक्ट हुआ है। सेम चीज़ यहाँ पर हुई है। तो इसका मतलब ये हुआ कि आसपास कोई ना कोई मैग्नेट है, और वहाँ से उनको एक निष्कर्ष मिला, उनको एक ऑब्जर्वेशन जो उनकी थी कि था जब जब सर्किट में करंट चलता है तब तब मैग्नेटिक फील्ड या फिर जो कहें मैग्नेटिक नीडल डिस्प्लेस होती है। तो उनकी ऑब्जर्वेशन क्या थी, व्हेन करंट इज इन द सर्किट मैग्नेटिक नीडल डिफ्लेक्ट्स, ये उनकी ऑब्जर्वेशन थी कि जब जब सर्किट में करंट चलता है तब तब मैग्नेटिक नीडल उसके जो पास रखी है वो डिफ्लेक्ट हो जाती है। डिफ्लेक्ट का मतलब जो उसकी ओरिजिनल पोजीशन है उससे कहीं हट जाती है। और इस ऑब्जर्वेशन का क्या रिजल्ट निकला, वो रिजल्ट था कि करंट के चलने की वजह से एक ऐसा फोर्स प्रोड्यूस हुआ जो मैग्नेट को मूव कर सकता है, यानी कि करंट के चलने की वजह से मैग्नेटिक फोर्स आ गया, या फिर यूँ कहें कि करंट के चलने की वजह से मैग्नेटिक फील्ड आ गया। तो रिजल्ट क्या निकला, फ्लो ऑफ करंट प्रोड्यूस या फिर शो मैग्नेटिक इफेक्ट, फ्लो ऑफ करंट प्रोड्यूस मैग्नेटिक इफेक्ट, ठीक है, ये उनका रिजल्ट आया, ठीक है। तो उन्होंने क्या कहा कि फ्लो ऑफ करंट, करंट का चलना, दैट इज फ्लो ऑफ चार्ज। करंट का मतलब क्या था, फ्लो ऑफ चार्ज था ना। तो जब जब करंट चलता है या फिर यूँ कहें जब जब चार्ज चलते हैं तब तब उनकी वजह से एक मैग्नेटिक फील्ड प्रोड्यूस होता है, इज दिस ओके। तो ये उनकी सबसे इंपॉर्टेंट डिस्कवरी थी जिसकी वजह से हमें पता लगा कि यस मैग्नेट कहीं भी बन सकते हैं, ठीक है। इसके लिए एक स्टोरी भी आती है कि मैग्नेट की डिस्कवरी से पहले जब लोगों ने लोहे के औजार तो बनाना शुरू कर ही दिया था, और पहले जो शूज़ थे उनकी मजबूती के लिए उसका जो होता है ना बेस होता है उसमें भी वो लोहे की कीले लगाते थे, ठीक है, थोड़ा लोहे का तला लगाते थे ताकि उसके थोड़ी सी लाइफ बढ़ जाए, थोड़ा मजबूत हो जाए। अब जब मैं 9th क्लास में था या 10th क्लास में था, आपकी क्लास में ही, तब हमारे टीचर ने हमें ये बताया था कि एक पहाड़ी पर कुछ लोग जा रहे थे ऊपर से, हो सकता है घास काटने के लिए या फिर कुछ लकड़ियाँ काटने के लिए, पहाड़ों के ऊपर जो थोड़े थोड़े पेड़ होते हैं ना, वहाँ से पहाड़ों के ऊपर जो जंगल है वहाँ से जा रहे थे। तो उन्होंने देखा कि उनको उनके पैरों को किसी ने पकड़ रखा है, ऐसा उन्होंने ऑब्जर्व किया कि पहाड़ चढ़ना इतना मुश्किल क्यों है, ठीक है। तो उन्होंने क्या किया कि चढ़ रहे थे पहले तो उनको जूते पहन रखे थे उन्होंने, उनके पास लोहे के औजार थे वो नहीं चढ़ पा रहे थे, ठीक है। फिर उन्होंने सोचा कि औजार छोड़ देते हैं एक बार, वैसे चले जाते हैं। औजार छोड़ दिए तो थोड़ा बहुत हल्कापन तो लगा, लेकिन जूतों की वजह से भारी लग रहा था। उन्होंने शूज़ भी उतार दिए तो उन्होंने देखा कि जिसने शूज़ उतार रखे थे ना वो तो जल्दी जल्दी चढ़ रहा है, और जिन्होंने शूज़ नहीं उतार रखे थे या जिन्होंने शूज़ डाल रखे थे वो टाइम लग रहा था उनको चढ़ने में, या फिर उनको काफ़ी ज़्यादा फोर्स लगाना पड़ रहा था। तो उससे उन्होंने क्या निष्कर्ष निकाला कि इस पहाड़ी पर भूत रहता है जो कि जेंटलमैंस को, यानी कि जो थोड़ा सा सवर के रहते हैं, अच्छे से रहते हैं, उनको पकड़ रहा है, उनको पहाड़ पर नहीं जाने देता। और जिन्होंने जूते नहीं डाल रखे वो इनोसेंट लोग हैं, वो भगवान के लोग हैं, तो भगवान को देखने जा रहे हैं। तो वहाँ पर एक अंधविश्वास फैला था, ठीक है। जब बाद में जाँच हुई तो पता लगा उस पहाड़ की मिट्टी में मैग्नेट था, ठीक। तो मैग्नेट जो है वो आयरन को अट्रैक्ट करता है, ये हमें पता लगा, ओके। उसी तरह से इसमें था कि जब वो खेती कर रहे थे एक जगह पर, तो जैसे उन्होंने वहाँ पर लोहे की कस्सी चलाई, लोहे की कस्सी को पकड़ दिया, ठीक है, पकड़ तो क्या लिया, मतलब मैग्नेट उसको चिपक गया। तो चिपकने से क्या हुआ, हाँ, लोग उसको कस्सी को छोड़ के भाग गए कि हमारे खेतों में भूत घुस गया। रियलिटी में क्या था, उसके अंदर मिट्टी के अंदर मैग्नेट था, ओके। तो ये दो स्टोरीज थी जो हमारे टीचर ने हमें पास आउट की। एंड जैसे स्टूडेंट जो है जो बाद में टीचर बनता है वही अपना जो नॉलेज उन्होंने पहले गेन किए वो एज इट इज़ ट्रांसफ़र कर देता है। तो ये वही था
ओरेस्टेड ने जो देखिए चेक किया, उन्होंने क्या कहा, रिजल्ट अपना क्या आया कि जब जब करंट चलेगा तब तब उसकी वजह से मैग्नेटिक इफेक्ट आएगा। ओके, अब इसमें करंट नीचे की तरफ चल रहा था, इसमें करंट ऊपर की तरफ चल रहा है, इसलिए दोनों का डायरेक्शन अपोजिट आई है। ठीक है, उसके अंदर देखा जाए तो उस तरफ मुड़ रहा था, इसमें देखा जाए तो इस तरफ मुड़ रहा है। अगर उस तरफ नॉर्थ है तो इस तरफ साउथ होगा, ठीक है ना, तो डायरेक्शन अपोजिट हो जाती है। ये इन्होंने ऑब्जर्व किया और यहाँ से अपने पास क्या रिजल्ट आया कि फ्लो ऑफ करंट या फिर फ्लो ऑफ चार्ज प्रोड्यूस मैग्नेटिक फील्ड। मैग्नेटिक फील्ड बनता है फ्लो ऑफ चार्ज से। अब फ्लो ऑफ चार्ज के लिए एक छोटा सा क्वेश्चन और आता है कि आपको पता है कि एवरीथिंग इज मेड अप ऑफ एटम, बट आर एटम्स स्मॉलेस्ट बिल्डिंग ब्लॉक। मेटल एटम में क्या होते हैं, प्रोटोन, इलेक्ट्रॉन्स, न्यूट्रॉन्स, और इलेक्ट्रॉन हमें पता है कि एटम के चारों तरफ चक्कर लगा रहे हैं। ठीक है, जैसे अगर हम बोर्स मॉडल की बात करते हैं तो आपने पढ़ा है बीच में प्रोटॉन है, फर्स्ट शेल में 2 इलेक्ट्रॉन रिवॉल्व कर रहे हैं, सेकंड वाले में 8 इलेक्ट्रॉन रिवॉल्व कर रहे हैं। अब ये रिवॉल्व करने का मतलब क्या है, चल रहे हैं, फ्लो कर रहे हैं, तो क्या हर एटम मैग्नेटिक इफेक्ट दिखाता है? तो आंसर है यस, हर एटम मैग्नेटिक इफेक्ट दिखाता है। ठीक है, उनकी अरेंजमेंट के ऊपर होता है कि वो ओवरऑल मैग्नेटिक इफेक्ट दिखाएगा या नहीं दिखाएगा। ठीक है, जैसे कि मान लीजिए हमारे पास एक मैग्नेट है इस टाइप से, उसके अंदर पहले एटम की वजह से मैग्नेटिक इफेक्ट उस तरफ आ रहा है। अब इतने से टुकड़े में आयरन के कितने सारे मैग्नेट होंगे, तो जितने एटम है उतने होंगे, 56 ग्राम आयरन का मोलर मास है, 56 AMU मोलिकुलर मास, तो 56 ग्राम का मतलब हो गया 6.02×10^23 एटम्स है सिर्फ 56 ग्राम में। तो अगर एक एटम के अंदर इस तरह से रिवॉल्विंग हो रही है कि मैग्नेटिक इफेक्ट उस तरफ आए, तो देर आर चांसेस कि एक ना एक ऐसा भी होगा जो इस तरफ आएगा, कैंसिल कर देगा। जिसके अंदर ओवरऑल मैग्नेटिक इफेक्ट कैंसिल नहीं होता, वो हमारे पास किस रूप में आ जाते हैं, मैग्नेटिक सब्सटेंस। ठीक है, तो ये एक छोटी सी पिक्चर है आपको ये रियलाइज करवाने के लिए कि एवरीथिंग इज मैग्नेट। ओके, हर एटम मैग्नेट की तरह बिहेव करता है। जो चीज़ें मैग्नेटिक सब्सटेंस होती हैं उसके अंदर अरेंजमेंट थोड़ी सी इस तरह से होती है। ठीक है, थोड़ी बहुत तो देखो आगे पीछे होगी ही क्योंकि रैंडमनेस बहुत है, लेकिन उसमें एक अरेंजमेंट होती है। ठीक है, फिर इसमें आता है कि करंट चलने से या फिर चार्ज के चलने से वो मैग्नेट कैसे बन गए। तो इसमें देखो, जैसे इसमें चार्ज चलेगा, इन सब की डायरेक्शन एक जैसी हो जाएगी, जिसकी वजह से वो मैग्नेटिक इफेक्ट दिखाने लगेगा। कॉपर की वायर को आप मैग्नेट के पास लेके जाओ, क्या होगा, नहीं चिपकेगी। लेकिन कॉपर की वायर में से अगर करंट चल रहा है और फिर आप उसको मैग्नेट के पास लेकर जाओगे तो वो चिपक जाएगी। ठीक है, तो ये कुछ बेसिक चीज़ें थी मैग्नेट के बारे में। आप इसको अब बुक में से रीड कर सकते हैं। आपका फर्स्ट टॉपिक ओरेस्टेड एक्सपेरिमेंट है, उसके बाद मैग्नेट और मैग्नेटिक फील्ड के बारे में बताया गया है। लेकिन मुझे लगा कि आपको इस स्टोरी को समझने के लिए पहले मैग्नेटिक फील्ड का पता होना चाहिए, इसलिए हमने पहले मैग्नेटिक फील्ड को किया। ओके, एक बार इसको नोट कर लीजिए, आगे फिर हम नेक्स्ट वीडियो में करते हैं। थैंक यू।